रिमेम्बर, तुम्हें फैसला लेने की पूरी आजादी है, पर नतीजा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जैकलिन मनोज बाजपेयी और मोहित रैना की मूवी मिसेस सीरियल किलर के बारे में कि कैसी है ये मूवी और आपको देखनी भी चाहिए या नहीं, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और याद रहे मेरे चैनल मेहताब टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसेस सीरियल किलर 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। इस मूवी के डायरेक्टर सिरीश कुंदर है। शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा कि ये कितने महान डायरेक्टर हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन महान डायरेक्टर ने जानेमन और जोकर जैसी महान मूवियां बनाई हैं और इन मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा था ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और अभी तक इन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 मूवी डायरेक्ट की थी, जिनमें से एक है जानेमन जो कि इनकी पहली मूवी थी, उसके बाद जोकर और फिर उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट की थी कृति जिसमें मनोज बाजपेयी दिखाई दिए थे। और ये तीनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित रही थी और बॉक्स ऑफिस के साथ साथ इन मूवीज को क्रिटिक्स ने भी बुरी तरह नकार दिया था। ना ये ऑडियंस को पसंद आई ना क्रिटिक्स को पसंद आई, इसलिए सारी मूवियाँ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही। लेकिन इस बार उनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार वो कुछ हटके लेकर आ रहे हैं। मैंने जब मिसेस सीरियल किलर का ट्रेलर देखा तो मुझे थोड़ी उम्मीद लगी कि शायद हमें इस मूवी के अंदर कुछ अलग देखने को मिल जाए, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मेरी उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया। अब तो बस सिरीश कुंदर जी से बस यही प्रार्थना है कि वो आगे कोई और मूवी डायरेक्ट ना करें, क्योंकि ना ऑडियंस के पास इतना फालतू समय है कि उनकी बनाई हुई मूवीज़ को कोई देखे और बेकार में प्रोड्यूसरों का पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि इस मूवी को भी प्रोड्यूस इन्होंने ही किया है और इनकी महान पत्नी फराह खान ने। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं मिसेस किलर के बारे में। मेरे को तो लगता है शायद ये मूवी नेटफ्लिक्स पर इसलिए रिलीज की जा रही है क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चलने वाली, तो शायद इसलिए उन्होंने इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला लिया। तो कैसी है चलिए जानते हैं। सिटी के अंदर हो रही एक के बाद एक गर्भवती महिलाओं की हत्या पूरी पुलिस सिस्टम को हिलाकर फेंक देती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर इमरान का पूरा शक मनोज बाजपेयी के करेक्टर मृत्युंजय पर जाता है और वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। जिसके बाद एंट्री होती है सोना मुखर्जी की, जिसका करेक्टर प्ले किया है जैकलिन फर्नांडीज ने, जो कि मनोज बाजपेयी की पत्नी का रोल कर रही हैं। सोना का मानना है कि उनके पति को झूठे इल्जाम में फंसाया गया है और उनका मानना है कि उनके पति दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं और वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और वहीं दूसरी तरफ इमरान का कहना है कि सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ हैं। जिसके बाद सोना सेम वैसे ही मर्डर दोहराना स्टार्ट कर देती है जैसे उस किलर ने किए होते हैं, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को कंफ्यूज किया जा सके कि अगर किलर अंदर है तो ये मर्डर कौन कर रहा है, जो कि हमें पता है कि ये मर्डर सोना कर रही है क्योंकि वो अपने पति को निर्दोष साबित कराना चाहती है, जिसको पुलिस ने झूठे इल्जाम में जेल में डाला है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि अभी भी असली किलर के बारे में किसी को नहीं पता कि असली किलर है कौन। और वहीं दूसरी तरफ सोना मुखर्जी और इंस्पेक्टर इमरान के बीच क्या कनेक्शन है ये भी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। ये मूवी देखते समय आप लोगों के माइंड में इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर किलर है कौन। कभी हमारा शक सोना के कैरेक्टर पे जाएगा, कभी मृत्युंजय, कभी इंस्पेक्टर इमरान के ऊपर। वो कहते हैं ना कि हर कहानी के एंड में हर राज से पर्दा उठ जाता है, तो ऐसा ही इस मूवी के अंदर भी होता है। ये थी मूवी की कहानी। और अब बात करते हैं एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं तीनों एक्ट्रेस में से सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की बात करूं तो नो डाउट दोस्तों सबसे पहला नाम होगा मनोज बाजपेयी का। उन्होंने इस मूवी के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया है और उनका काम देखते ही बनता है। उनके चेहरे के हाव भाव और मासूम जैसा चेहरा आपको वाकई में हैरान कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ मोहित रैना की बात करूं तो उन्होंने भी इस मूवी के अंदर अच्छा काम किया है। लेकिन वहीं बात की जाए जैकलिन फर्नांडीज की, वो इस मूवी के अंदर काफ़ी कमज़ोर नज़र आई हैं। हालांकि उनके कुछ कुछ सीन काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं, लेकिन वो पूरी मूवी के अंदर इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब नहीं होती हैं। और अब बात करते हैं मूवी के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी सूट भी होता है। और वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो डायरेक्शन भी ठीक ठाक है और वहीं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, जो कि देखने में काफ़ी डार्क है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो मिसेस सीरियल किलर एक वन टाइम वॉच मूवी है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये मूवी आपको निराश भी कर सकती है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है।
अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की डार्क थ्रिलर मूवी देखी है तो ये मूवी आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हुए बोर हो रहे हो तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हो। आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों ने मिसेज सीरियल किलर देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।